इस वक्त हमारे साथ हमारे झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़ चुके हैं, हम वहां की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज, किस तरीके से वहां भक्ति की तस्वीर है और उत्साह पूरे चरम पर है, जरा तस्वीर दिखाइए और बताइए वहां की क्या खासियत है। जी बिल्कुल सही कहा अमित, यहाँ उत्साह जो है चरम पे है। मैं अभी जिस पूजा पंडाल में हूँ, यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं आप उनके उनकी स्थिति को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो उत्साह से जुड़े लबरेज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ जिस पंडाल में मैं हूँ, यहाँ पे एक अद्भुत तरीके से माँ देवी की आराधना की जा रही है, उसको लेकर के एक कंपटीशन भी हो रहा है। ये एक बंगला एक पद्धति है माँ की आराधना करने का, उसमें जो है माँ की इस आराधना में जो महिलाएं हैं वो हाथों में आग लेकर के जो है वो करती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी वो एक बार फिर से यहाँ पे शुरू हो रहा है, जिस तरीके से जो महिलाएं हैं सारी एक धनुची इधर और देंगे दो धनुची। ये एक काफी पुरानी काफी पुरानी पद्धति है बंगला समाज में माँ की आराधना का। कहा जाता है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ से मनोकामना मांगने के लिए, अपने मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए, माँ को खुश करने के लिए जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे करती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ ये शुरू हुई है। इस पूरे ये कुल में आप एक अद्भुत नजारा, एक विहंगम दृश्य जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं। इन महिलाओं के हाथों में एक पात्र है, उसमें आग है और ये क्या कुछ है। हमारे साथ यहाँ पे जो महिला है वो जुड़ी हुई है, ये बताएंगी कि क्या ये इस डांस, ये जो अभी नृत्य हो रहा है माँ को प्रसन्न करने के लिए, क्या है ये? ये बेसिकली ये दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए भी है और ये दुर्गा माँ की विदाई का, ये मतलब विदाई जो हम लोग देते हैं ये धुनुची करने के साथ देते हैं। धुनुची का अर्थ है कि हम लोग दुर्गा माँ का विदाई दे रहे हैं, विदाई कर रहे हैं। होता क्या है? ये दुर्गा माँ को जैसे उनको विदाई के लिए हम लोग कभी कभी मतलब धुनुची का एक रूप, ये बंगाल से आया है, बंगाली का है, तो ये बंगाली लोग ही उनको दिखा के एक उनको विदाई के रूप में, जैसे हम लोग धूप दिखाते हैं माँ को, उसी तरह ये धुनुची दिखाते हैं। ये एक मतलब कहने का मतलब ये है कि एक आरती का एक पद्धति। हाँ, ये एक आरती का स्वरूप है, शाम में ही होता है ये धुनुची। सुबह में नहीं होगा, दोपहर में नहीं होगा, शाम को ही होगा। शाम में ही? हाँ, शाम में ही होगा, खास करके नौमी के दिन ही होता है। जब अगर कहा जाए जब कन्या पूजन हो जाता है, हाँ, और हवन हो जाता है उसके बाद, उसके बाद क्योंकि कल विसर्जन होना है, हाँ, तो उसके पहले हम लोग नौमी का हवन, कन्या भोजन सब कराने के बाद ये माँ को अंतिम विदाई के रूप में हम लोग धुनुची करते हैं। यहाँ अगर हम इस पूजा पंडाल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 50 सालों से यहाँ पे पूजा हो रहा है, तो ये परंपरा जो उस समय से ये चली आ रही है, ये शुरू से चली आ रही है और अभी तक मतलब हम लोग सब मेंटेन करते हैं। सोसाइटी के लोग, कॉलोनी के लोग, हम लोग शुरू से लेके इस हर एक प्रोग्राम को, हर एक परंपरा को पूरी तरह निभाते हैं। तो अमित, देख सकते हैं कि तीज त्यौहार, पर्व त्यौहार जो हमारे होते हैं वो न सिर्फ हमारी परंपराओं को भी आगे ले जाने के लिए एक बड़ा माध्यम बनता है, और ये एक अद्भुत नज़ारा जो आने वाली पीढ़ी के लिए और जो तमाम जो लोग हैं उनके लिए एक अगर कहा जाए तो एक बड़ी सौगात है जो इस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। और ये माँ का जो है महारानी माँ की जय जयकार के साथ ये जो सामूहिक जो पूजा का ये था अभी खत्म हुआ, और आप देख सकते हैं कि पूरा पंडाल जो है इस आरती के लिए, इस विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए पूरा पंडाल जो है खचाखच भरा हुआ है। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ आई हैं और कई पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं।
ये जो माँ की आराधना का ये जो पद्धति है, इसको करने के बाद कैसा लगता है कि कितनी बहुत अच्छा फील होता है और लगता है कि हम लोग माँ का डायरेक्ट भक्ति कर रहे हैं और मतलब पूरा मतलब बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब एकदम आनंद मैं हो जाता है। आप बताइए, पार्टिसिपेंट्स भी है लगातार पहले से करती रही है, कितनी संतुष्टि मिलती है जब इस आराधना को करते हैं, अंदर की अनुभूति क्या होती है, क्या ऐसा लगता है कि माँ के साथ? हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम धुनुची करते हैं, और वहाँ की और तस्वीरें हम देखेंगे। इस वक्त हमारे झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़ गए हैं, हम सीधे उनके पास चलेंगे और वहाँ की तस्वीर भी हम जानेंगे। मनोज, रांची की तस्वीर की अगर बात करें तो वहाँ किस तरीके की भक्ति की तस्वीर है, जरा दिखाइए दर्शकों को, बताइए भी। बिल्कुल, मैं दर्शकों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ, वहाँ एक अद्भुत तरीके से माँ की आराधना की जा रही है। हाथों में एक जो है आग लेकर के जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, वो माँ की आराधना कर रहे हैं। ये बंगाली परंपरा का एक नृत्य है जो नवमी के दिन ही किया जाता है, नवमी की शाम में, और क्योंकि इसके पीछे एक मान्यता यह है कि जब हवन हो जाता है, कन्या पूजन हो जाता है, माँ की दूसरे दिन जब विदाई होनी होती है, तो उसके एक दिन पहले शाम में इस तरीके से माँ की आराधना की जाती है। अमित, मैं बता दूं कि इस आराधना में जो है भक्त जो है वो हाथों में, आप देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि जो भक्त है वो हाथों में आग, जो एक पात्र लिए हुए हैं और उस पात्र में आग है, उस आग के माध्यम से माँ की आराधना कर रहे हैं, और उनके साथ में ही जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है वो यहाँ पे बसता है, जिसको यहाँ पे ढाक कहते हैं और घंटा कहते हैं, वो यहाँ पे जो है बजाया जा रहा है, जो पारंपरिक लोक कलाकार हैं उनके द्वारा, और इसमें महिलाओं की भी जो है बड़ी भागीदारी होती है। बड़ी संख्या में लोग जो है इस विशेष आयोजन को देखने के लिए इस पूजा पंडाल में यहाँ जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि खचाखच ये पूजा पंडाल जो है भरा हुआ है, और लोग इस अद्भुत माँ की आराधना का जो है एक आनंद जो है ले रहे हैं, यहाँ पे उसे देख रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ अधिकारी भी हैं जो सेल से जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये इस तरीके से अगर कहा जाए तो एक अद्भुत यहाँ नज़ारा देखने को मिल रहा है माँ की आराधना का। ये हर साल हम लोग करते हैं और ये प्रोग्राम हम लोग का काफ़ी हिट है, बहुत। ये लेडीज़ लोग का पहले हुआ करता था, अभी जेंट्स लोग भी करते हैं, इसमें बच्चों का कैटेगरी भी हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, और आप जैसे देख रहे हैं लोगों में काफ़ी उत्साह है, तो और ये माता जी का एक कृपा है कि हम लोग हर साल ये कर पाते हैं। दो साल बाद हो रहा है, बंगला की तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों, दो साल बाद हो रहा है, इसलिए लोगों में उत्साह ज़्यादा ही दिख रहा है हम लोग को, और माता जी का ये भी कृपा है कि पिछले कुछ दिनों से बारिश भी जिस समय हम लोग का कार्यक्रम रहता है नहीं होती है, तो ये भी हम लोग के लिए बहुत बड़ी माता जी का कृपा है। बारिश नहीं होती है और भी लोग हैं यहाँ पे, बच्चों ने एक बड़ा ही खूबसूरत पारंपरिक नृत्य किया है यहाँ पे, माँ की आराधना से जुड़ा हुआ है ये, कैसा लगा आपको देख करके? मेरे लिए ये पहला साल है, हम अभी आया हूँ रांची में, मेरे को सबसे अच्छा लगा यहाँ का सबका योगदान, इतना मतलब इतना एंथुसियाज्म लेके सब योगदान कर रहा है, एंड पूरा फैमिली लाइक एक तो गेट टुगेदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे लिए बहुत विशेष अनुभूति है, दैट एक तो पूरा परिवार जैसे लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, परिवार जैसा लगता है, हर किसी को पसंद आता है। मैं बता दूं अमित आपको कि ये एक अगर कहा जाए जो पूजा कहा जाए तो एक बहाना होता है समाज को, परिवार को जोड़ने का, और वो यहाँ पे आज देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पिछले 10 दिनों से एक महा अनुष्ठान चल रहा है, इस अनुष्ठान में छोटे बड़े सारे लोग मिले हुए हैं, और सिर्फ इसी पंडाल की हम बात ना करें, हम पूरे रांची, पूरे झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो हर पंडाल की कमोबेश स्थिति ऐसी ही है, लोगों की भीड़ जो है जुड़ी हुई है। जो लोग यहाँ आए हुए हैं वो काफ़ी खुश नज़र आते हैं, जो जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ है, दो साल बाद मौका लगा है, कैसा लग रहा है ये? तो बहुत ही अच्छा है, इतना दिन दो साल का बाद सब लोग खुश हुए, और माता जी का कृपा से और भी खुश ही रहे, आगे भी हम लोग का प्रोग्राम होते रहेगा। हाँ, ये तो द्वार का शुरुआत हुआ है, और भी द्वार सामने है, तो
चलिए मनोज जी, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त हम यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे और ये डाक बंगला की तस्वीरें देखिए, भीड़ भी काफी है। और एक बार हम यहाँ की जो प्रतिमा की तस्वीर है हम आपको ये दिखा रहे हैं। खासतौर पर आज महानवमी के दिन माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और भक्त लगातार पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे माँ की आराधना हो रही है और नौवे दिन माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्ति भाव में लोग लगे हुए हैं और माँ की आराधना कर रहे हैं और हर ओर माँ के जयकारे गूंज रहे हैं और लोग भक्ति भावना में लीन है और माँ से लगातार ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हर बार ये मौका आए और हम लोग इसी तरीके से आपकी आराधना करें, यही मिन्नतें मांग रहे हैं। क्योंकि पिछले दो सालों से जिस तरीके से परेशानी का सबब देखने को मिला, अब वो नहीं है और अब जो परेशानी है दूर हो चुकी है और भक्त काफ़ी खुश हैं और माँ की आराधना में लगे हुए हैं और माँ का धन्यवाद कर रहे हैं। तस्वीरें हम अपने पीछे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो दर्शक हैं, जो भक्तगण हैं, वो लगातार पूजा पंडालों में दर्शन कर रहे हैं और माँ की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और माँ का शुक्रिया भी कर रहे हैं कि ये मौका लंबे वक्त बाद मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी कर रहे हैं। और कुल मिलाकर कहा जाए तो राजधानी पटना में दुर्गा पूजा की धूम है और भक्तों का जो उत्साह है वो चरम पर है। और इसी मंगल कामना के साथ कि हर बार इसी तरीके से मौका आए और माँ की आराधना में हम आप सब लीन रहे और हम पर, आप पर, सब पर माँ की कृपा बनी रहे। हमारे इस खास पेशकश में इस वक्त इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।